जब भी हम अपना एक्टिंग करियर प्लान करते हैं तो सबसे पहले जरूरत होती है हमें ऑडिशन देने की। तो ऑडिशन में तो आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, आप सेल्फ ऑडिशन के लिए क्या करें, या फिर जब आपको स्क्रिप्ट ना मिले तब आप किस तरह की स्क्रिप्ट की तैयारी करें, किस तरह के मोनोलॉग की तैयारी करें, यही बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन films.com। दोस्तों सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल कमेंट में जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप में से ही कुछ लोग अगर उसका आंसर जानते हैं तो उसको रिप्लाई करते हैं। तो इससे मुझे खुशी एक बात की ये है कि जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ती जा रही है और एक बहुत बड़ी फैमिली बनती जा रही है, और आगे भी इसी तरह से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। एक और बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं जब आप कोई भी जॉइंट फिल्म्स चैनल का वीडियो देखते हैं। जैसे आज अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। सेकेंडली, मेरा ये कहना है कि इसमें अवेलेबल सारे वीडियोज आप देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप फिल्मी फंडे के वीडियो देखिए, नसुद्दीन शाह का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, फारूक शेख साहब का, टीम वानन जी का, इन सब के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो है मोनोलॉग की। बहुत से लोग जो मोनोलॉग को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, मोनोलॉग का मतलब है कि एक ऐसा डायलॉग प्रिपेयर करना जिसको आप सोलो परफॉर्म कर पाए, अकेले बोल पाए। ये बहुत जरूरी हो जाता है ऑडिशन देते टाइम, क्योंकि कई बार कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपसे कहेंगे कि आप ऐसा करिए कि आपने जो डायलॉग प्रैक्टिस किया है उसको आप परफॉर्म करके दिखा दीजिए। तो करना आपको ये है कि आपके पास कम से कम 2 से 4 ऐसे डायलॉग यानी ऐसे मोनोलॉग रेडी होने चाहिए हमेशा जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हो, आपके सारे प्लस पॉइंट्स को कैमरे पे ला सकते हो। मतलब जैसे आप कॉमेडी में अच्छे हैं तो थोड़ा सा कॉमिक वाला हो, लेकिन थ्रिलर जोन का भी हो, थोड़ा सा अगर रोमांटिक आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान रखिए, जो काम आपसे ऑन कैमरा बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है उसको प्लीज ट्राई भी मत कीजिए, क्योंकि अच्छा ऑडिशन भले ही 2 आप देंगे, अच्छे मोनोलॉग अगर आप 2 देंगे वो बेस्ट है, 4 करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन जब भी दीजिए बेस्ट दीजिए। मोनोलॉग कितनी देर का होना चाहिए? देखिए, मोनोलॉग मैक्सिमम 2 मिनट का होना चाहिए और करीब करीब 1 मिनट का तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी कोई देखेगा आपको परफॉर्म करते हुए तो धीरे धीरे वो आपके साथ जुड़ता है। तो अगर वो 15-20 सेकंड 30 सेकंड का होगा तो वो इतनी जल्दी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप 1 मिनट का, 1.5 मिनट का या 2 मिनट का मोनोलॉग तैयार कीजिए, अगेन अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए और जिस जोनर में आप बेस्ट हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और एक जोनर और भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो मोनोलॉग होगा ये कोई फिल्म का डायलॉग मत लीजिए, किसी सीरियल का डायलॉग मत लीजिए, किसी ड्रामा का डायलॉग मत लीजिए। मैक्सिमम एक्टर क्या गलती करते हैं कि वो थिएटर का या ड्रामा का, स्टेज प्ले का कोई एक डायलॉग ले लेते हैं और उसको तैयार कर लेते हैं। होता ये है कि उस डायलॉग में कहीं ना कहीं एक वो ड्रामा वाला सेंस होता है, थिएटर वाला सेंस होता है, तो उनकी एक्टिंग भी वैसी लाउड निकलने लगती है। और अगेन एक और बात, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो आपका ऑडिशन देख रहा है, हो सकता है उसने उस परफॉर्मेंस में, मतलब शायद वो ड्रामा में उन्होंने परफॉर्मेंस देखा हो किसी बहुत अच्छे एक्टर का, या फिल्म में जिसने परफॉर्म किया उसकी एक्टिंग, या सीरियल में जिसने एक्टिंग किया उसकी एक्टिंग से वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन बनने लग जाएगा, तो आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। बेहतर है कि आप एकदम ओरिजिनल डायलॉग फॉर्म कीजिए, चाहे तो खुद लिख लीजिए, धीरे धीरे करके बना लीजिए, या फिर किसी राइटर दोस्त से लिखवा लीजिए, किसी राइटर से बात कर लीजिए कि वो आपको अच्छा सा डायलॉग लिख के दे दे, और उसी ड्यूरेशन में आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। समझ के प्रैक्टिस कीजिए कि उस डायलॉग की इमोशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो सीन में वो पर्सन, वो करेक्टर क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, किस जगह पे खड़ा है, कौन सा एनवायरनमेंट है, उस पर क्या स्थिति परिस्थिति गुजर रही है, इन सब बातों को जहन में लाइए और फिर उस डायलॉग को अच्छे से परफॉर्म कीजिए। आजकल तो हमारे पास मोबाइल में कैमरा है, हम बार बार उसको रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। जब आपको लगे कि हाँ अब ये बेस्ट प्रिपेयर हो चुका है, तब बस उस ऑडिशन को रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए तैयार करके रख लीजिए अपने पास। हमेशा 2 क्वालिटी में करके रखिए कि व्हाट्सएप पे भेजना हो तो मैं भेज पाऊँ, और अगर मुझे मेल में भेजना हो तो भी मैं भेज पाऊँ। और इसी तरह से जब आप ऑडिशन देने जाएं, अगर आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो उस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने के बाद एक बार आप कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ भी सकते हैं कि सर क्या मैं कुछ अपना तैयार किया हुआ मोनोलॉग भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर वो आपको चांस देते हैं तो आपका काम बन गया, आप फटाफट जो बहुत तैयार किया हुआ आपका डायलॉग है उसको वहाँ परफॉर्म कीजिए। उससे होगा ये
कि जब वो बाद में आपके ऑडिशन देखेंगे, वो टेप को देखेंगे, तो उनको आपके अलग अलग रंग नजर आएंगे एज एन एक्टर। तो इसलिए मोनोलॉग ये ऐसी तैयारी है जो आप खुद कर सकते हैं, इसमें आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको तैयार करके रखिए हमेशा के लिए, ये आपके काम आएगा। आज की आप जो भी फिल्में देखें उसमें जो भी हीरो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका स्टारडम है, आप देखेंगे उनमें तीन चार क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो रोमांस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इमोशनल डायलॉग बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और कॉमेडी भी सेंस रखते हैं। तो अगर आप अच्छे से ये प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं कि ये तीनों चारों रंग में आप अपनी एक्टिंग को दिखा सकते हैं, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक डायलॉग इनका बनाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप मत कीजिए, जिस जोनर में आप परफेक्ट हैं उसी को प्ले कीजिए, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। एक और बात बहुत जरूरी है कि मोनोलॉग जब भी आप लिखें, खुद लिखें या किसी फ्रेंड से लिखवाएं, तो वो प्रोफेशनल रिटर्न होना चाहिए, मतलब उसका जो कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, बड़ा अमेच्योर लगेगा जब आप उसका सेल्फ ऑडिशन भेजेंगे या फिर ऑडिशन में परफॉर्म करेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए वो सिर्फ ऐसा लिखा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक लड़की को छेड़ रहा हूँ, ऐसा इस तरह का ना हो कुछ भी, तो आप प्रोफेशनल राइटर से ही लिखवाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो व्यूवर्स हैं जॉइंट फिल्म चैनल के, उसमें जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं, अगर वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम सबका फायदा हो सकता है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपके बिहाफ में कि वो अच्छे अच्छे डायलॉग आप लोग को अवेलेबल कराएं। और इस मोनोलॉग को आप सेल्फ ऑडिशन मतलब सेल्फ रिकॉर्ड करके तैयार कीजिए, यूट्यूब के चैनल पे आप डाल सकते हैं, उस लिंक को रेडी कर सकते हैं। और लास्ट में एक एंड में स्लाइड जरूर लगाइए जिसमें आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल हो, यानी कि आपका फोन नंबर, आपकी एज, आपने क्या क्या किया हुआ है, वो सब मेंशन कर दीजिए और आपका फोन नंबर। अगर कोई फीमेल एक्टर है तो मैं बस उनको सजेस्ट ये करूंगा कि आप चाहें तो अपना फोन नंबर मत दीजिए, लेकिन ऐसा ईमेल आईडी दीजिए जिसको आप रेगुलर देखते रहते हो, जिसको आप हमेशा जान पाए कि अगर कोई चांस आता है तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इन सब तैयारियों के साथ आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं और कुछ चांस को आप जल्दी से कैश भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फिर देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।